नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लाखनी ग्राम पंचायत में बुधवार को आयोजित हुए माणा बाबा के मासिक मेले में दो महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर चोरी करने पहुंच गईं। तीन महिला दर्शनार्थियों के मंगलसूत्र और मादलिये तोड़े गए। मंदिर में चोर गैंग के सक्रिय होने की सूचना मिलने पर श्री माणा बाबा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज जांचे और दो महिलाओं को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किए। सब इंस्पेक्टर दीप्ति रानी ने बताया कि जेवरात चोरी करने के आरोपी महिला सीता देवी पत्नी शशि कोली और गीता देवी पत्नी सुशील कोली निवासी कानोता जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिलाओं के कब्जे से एक मादलिया बरामद किया गया। दोनों आरोपी महिलाओं को रिंगस ACJM न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा करोल के समक्ष VC के माध्यम से पेश किया, जिनको शेष चोरी का सामान बरामद करने के लिए एक दिन के PC रिमांड पर सौंपा गया है। काबिले गौर है कि 2 फरवरी को लाखनी निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र राजकुमार जाट के द्वारा पुलिस थाने में उसकी पत्नी सपना चौधरी का मंगलसूत्र और गुड़लिया निवासी मनोहरी देवी और कोचड़ी धायलान निवासी चूकी देवी का मादलिया तोड़ने का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला आरोपी सीता देवी की गोद में 8 माह का लड़का और गीता देवी की गोद में 5 माह का लड़का है। दोनों महिला आरोपी दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर चोरी करने पहुंची थी। 9 तारीख को जब हमारे DO ड्यूटी पे थे तो उसी दौरान सूचना मिली कि माणा बाबा का मंदिर जो लाखनी में है वहाँ पर किसी तीन महिलाओं का कुछ जेवरात वगैरह चोरी हुआ है। तो तुरंत हमारे DO वहाँ पर गए और DO को वहाँ पे भेजा। उसके बाद DO छगन जी को आदेश दिया कि जो दो वहाँ पे जो दर्शनार्थी थे उन्होंने पहले से 2 महिलाओं को पकड़ के बिठा रखा था, तो उन महिलाओं को फिर DO थाने पे लेके आए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक महिला का मादलिया जो छोड़ने का वो लेना बताया। जितेंद्र सिंह उन्होंने FIR दर्ज करी। उसके बाद में FIR का अनुसंधान किया गया है। आरोपी का क्या नाम? आरोपी दो महिला आरोपी है, जिनमें एक सीता देवी वाइफ ऑफ शशि और वो रहने वाली जाति कोली से रहने वाली वो रामपुरा फाटक के पास कानोता जयपुर की है। दूसरी महिला गीता देवी वाइफ ऑफ सुशील जाति कोली और वो भी रामपुरा फाटक के पास कानोता जयपुर निवासी है।